गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और आज हमारी रसोई में बन रहा है आलू कटहल की मसाले वाली सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम कटहल और 250 ग्राम आलू। इन दोनों को मैंने उबाल लिया हुआ है और उबाल के ये काट के ही उबाला हुआ है। ये कुछ मसाले हैं, बेसिक मसाले। यहाँ खड़ा गर्म मसाला, हींग और जीरा है। और ये मैंने लिया हुआ है करीब 150 ग्राम प्याज, 200 ग्राम टमाटर और 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन है। इन सबको हमें पीस लेना है इस मिक्सी की जार में। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, करीब 2 बड़ा चम्मच तेल है। इसमें मैं ये जीरा, हींग और खड़े गरम मसाले डालूंगी और साथ ही साथ डालूंगी ये कटी हुई सब्जियां। ये मैंने पीस लिया है मसाला। कच्चा आलू को मैंने करीब 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया हुआ है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं ये पिसे हुए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन के इस पेस्ट को ना हमें अच्छी तरह भूनना है। करीब 7 से 8 मिनट के लिए भून लेती हूँ मध्यम आंच पे। सात मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। नमक डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 3 छोटा चम्मच कांदा लहसुन मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, संडे मसाला मिक्स है ये, लूंगी 2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटा चम्मच, मैं ना इसमें 2 छोटा चम्मच करीब मटन मसाला भी ऐड कर लेती हूँ। सब्जियाँ और मसाले बिल्कुल अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। ये मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। ग्रेवी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम को लो करके इसे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और ऊपर से धनिया के पत्तों से गार्निशिंग कर लेते हैं और साथ ही साथ चलिए इसे सर्व भी कर लिया जाए। तो बस ये हमारी आलू कटहल की सब्जी अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड आई होप आपको मेरे सिंपल से सब्जी की सिंपल से रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।